हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंगलोर राइडर्स में। अब भी अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और राइट साइड में आता है नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा देना, ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा और हमारा वीडियो भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के जो राइड होने वाला है, कहाँ जाएंगे यार, पुथनाली कल राइड कहते हो उसी को, उधर साइड में एक लेक है, उधर हम दिखा नहीं पाए लेकिन उसी रोड के साइड साइड हम जाएंगे आगे तरफ। आगे जाने के बाद क्या है हमें देखने को मिल रहा है आपको दिखाएंगे और हम भी दिखाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं हूँ एरिया जा रहे, हमें खुद पता नहीं है। तो आपको क्या दिखाएँ, आपको भी दिखाएँगे और हम भी देखेंगे साथ ही साथ। चले दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगता है ना दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों थोड़ा, और लाइक कमेंट तो कर देना, बिल्कुल नहीं बोलना ठीक है दोस्तों। और क्या बोलेंगे यार, हमारे व्यू भी नहीं आ रहा अभी, लाइक भी कर देना ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम अपना मोबाइल को साइकिल में ट्रैप कर लेते हैं और सेटिंग वटिंग वगैरह वगैरह सब कर लेते हैं और यहाँ से हम निकल जाएंगे दोस्तों। चलिए, हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हम निकल जाएंगे राइड करने के लिए दोस्तों। आप देख सकते हैं इधर जो लेफ्ट साइड में ये जो बाउंड्री दिया गया है, ये लोहा जाली वाला, इधर साइड में मतलब क्या बोलेंगे, सब लेक देखने के लिए एरिया है और अंदर में आप देख सकते हैं लोग सभी पैदल चल रहे हैं, और आगे जाएंगे तो लेक है उसका अंदर ऐसे ही बाउंड्री दिया गया है तार जाली का। और ये जो इधर दिया है, इधर आने जाने के लिए भी रास्ता दिया गया है ताकि पैदल आने जाने वाला को डिस्टर्ब ना हो और बाइक वाला को राइड करने के लिए बहुत सोच समझ कर लेकिन बनाया गया है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे इंजीनियर होना चाहिए यार। ये नहीं कि पूरा लेक को सटा देने के बाद इधर आने जाने वाला को दिक्कत होगा, आगे आगे बढ़ रहे हैं, अंदर में घूमने के लिए भी जगह है, आदमी सब आते जाते घूमते हैं, अच्छा है। लेकिन हम भी अंदर जाके हमें भी थोड़ा देखने के लिए तो मन कर रहा, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है, वो है हमारा साइकिल रखने के लिए दोस्तों। साइकिल रखेंगे कहाँ पर, साला कोई भी चुरा लेगा तो साइकिल फिर हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक साइकिल खरीदे हैं, उसको भी अगर कोई चुरा लगा तो ख़त्म, सब कुछ टाई टाई बाय बाय ख़त्म। ओ माय गॉड, इधर आप राइट साइड में देखें एक वो कुत्ता लेके जा रहा, अच्छा है लेकिन होगा साला 50-60 हज़ार का कुत्ता। इधर बेंगलोर में कुत्ता का भी कीमत बहुत है, आपको मालूम नहीं है कि कुत्ता यहाँ लाखों में सेल होते हैं, जितना आदमी का कीमत नहीं है कुत्ता का उतना कीमत है बेंगलोर में। तो दोस्तों आज हम जो राइड करने जा रहे हैं बिल्कुल अनजान जगह जा रहे हैं, हमें बिल्कुल इधर पहली बार आ रहे हैं, हमें थोड़ा भी मालूम नहीं है, जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि पहली बार हम आ रहे हैं इधर, कौन सा एरिया है उधर, बहुत सारा क्रॉस है, ब्लॉक है, क्या है, बहुत फलाना टाइम का है यार दोस्तों। लेकिन आगे तरफ जो बिल्डिंग देख रहा है शायद बड़ा रोड भी हो सकता है, उसी हिसाब से हम देख के जा रहे हैं, लेकिन देखेंगे आगे हमें क्या मिल रहा देखने को। यहाँ जाने के बाद किधर जाएंगे यार, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों इधर एक गली में एक सीसीटीवी में सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, इधर आप रोड में कुछ भी हो जाएगा दुर्घटना सीसी का कैमरा से आप उसको रिकवर करके आप देख सकते हैं, कुछ अगर गलत उल्टा सीधा काम होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ चोरी करके भाग जाता है तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। लेकिन शाम के टाइम में थोड़ा आपको शायद उतना वीडियो क्वालिटी दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए हम सॉरी कहेंगे, क्योंकि अगर डे में होता तो वाह। ये लेफ्ट साइड में दोस्तों देख सकते हैं पोस्टर, ये फिल्म पोस्टर है यार, ये टॉकीज है, फिल्म हॉल सिनेमा हॉल जिसको हम बोलते हैं, वाह अच्छा है। लेकिन बहुत बड़ा पर्दा लगाया गया,
पठान का भी पोस्टर लगा हुआ है, आप सभी को मालूम है हाल हाल में पठान रिलीज हुआ है, आप लोग अगर देखें तो ठीक है, लेकिन हम देखे नहीं है क्योंकि हम अपना मोबाइल में देखते हैं, लेकिन मोबाइल में देखने के लिए भी टाइम नहीं है क्योंकि हमें तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मूवी तो दूर की बात है, जब छुट्टी मिलता है तो हम अपना मूवी हम बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं राइड करके और एक एक जगह आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उस एरिया को। जा रहे कहाँ यार, जा रहे हैं हमें खुद पता नहीं, लेकिन बस चलते जा रहे, चलते रहे। जैसे चलते चलते जहाँ पर मूड ऑफ हो जाएगा हम अपना राइड बंद कर देंगे और वापस चल जाएंगे रूम, क्योंकि नया मतलब शाम हो चुका है ना, एक एड्रेस भी हम देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि उतना भीड़ लग चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चीज़ हमें अच्छा लगा, वो क्या है मालूम है, एक ट्रैफिक जो है यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस है इस सिग्नल में, यहाँ पर तो थोड़ा पुलिस है तो चलो कौन किधर जाएगा उसको बताएगा, लेकिन एक एक ऐसा सिग्नल आता है नॉन ट्रैफिक पुलिस वाला, वहाँ कोई भी इधर उधर से आता है एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहता है यार दोस्तों। लेकिन हम जाएंगे यहाँ से कहाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ से हम ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं क्योंकि और हम दूर जाते रहते हैं, नहीं तो हमारा रूम इधर पीछे साइड में हमको जितना अंदाज लग रहा है वापस आने में लेट हो जाएगा क्योंकि रात होते जा रहा, थोड़ा थोड़ा शायद आपको दिख रहा होगा अभी। जी बिल्कुल, हम यहाँ से साइन बोर्ड दे रहा यू टर्न ले सकते हैं, तो हम यू टर्न लेना ही हमारे लिए बेहतर होगा कि उतना दूर नहीं जाएंगे, कभी और एक दिन जाएंगे, हम यहीं से हम यू टर्न लेके अपना रूम की ओर जा रहे हैं दोस्तों। चले दोस्तों, हम दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है ना लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक और ऐसे हमारे सोशल मीडिया है उसको भी आप फॉलो कीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो सिग्नल है ये बिना ट्रैफिक पुलिस वाला है, यहाँ आपको खुद गाइड करके आगे जाना है, जब खाली होगा जाना, क्योंकि सिग्नल अभी खुला नहीं है, लेकिन जब सिग्नल खुल जाएगा तो आगे निकल जाना। देखिए दोस्तों, एक एक बिना सिग्नल मतलब खुलते ही निकल गया, हम लोग सिग्नल को तोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि एक दो गाड़ी नहीं है बहुत सारी गाड़ी इधर उधर से, कोई भी आपको ठोक देगा। जब सिग्नल खुलेगा तो ही आप जाइए, ऐसा गलती मत कीजिए बिल्कुल दोबारा। ओके तो दोस्तों हम जा रहे हैं कहाँ, अपना रूम की ओर आ रहे हैं दोस्तों, और अपना रूम जाने के बाद हम आज रेस्ट लेंगे, कल फिर राइड करते हुए हम निकल जाएंगे। इधर दोस्तों रात थोड़ा थोड़ा हो रहा, उतना रात भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा रात हुआ है, करीब करीब टाइम 6:45 के बाद है, लेकिन दोस्तों चलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, इधर लेफ्ट लेते हैं, अंडरग्राउंड में नहीं जाएंगे क्योंकि जितना डाउन में जाएंगे उतना आप ऊपर उठना पड़ेगा, तो जितना आराम मिलेगा उतना कष्ट भी मिलेगा, क्यों उसी में हम जाएंगे, इसमें हम आराम आराम से जा रहे हैं, इसलिए साइड में थोड़ा सा डाउन है तो उतना मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। इधर कौन सा रहा, यह तो शायद जे पी नगर के गया है यह रोड, जी बिल्कुल ये जे पी नगर की तरफ गया है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, वहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर उधर जाने के बाद देखेंगे कहाँ तक हम जा पा रहे हैं आज, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है, नहीं तो अपना वीडियो कॉम इधर भी हम बंद करके रूम चल जाएंगे और लेट हो जाएगा तो अंधेरा में उतना विजिबिलिटी भी
हमारे कैमरा का उतना नहीं है तो हम दिखा भी नहीं पाएंगे, उसी हिसाब से हम अपना रूम चल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके लिए हम सॉरी कहना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट सिग्नल दिया है तो लेफ्ट को चल जाते हैं। चलिए लेफ्ट की ओर जाएंगे। और अरे शाम को कौन सा स्कूल खुला है, लोग स्कूल से आ रहे हैं वो दो लड़का, पता नहीं इतना शाम को कौन सा स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये है बस स्टॉप पे, बहुत सारा आदमी इंतज़ार किया है, बस आ ही नहीं रहा अभी तक। चलो तो खैर छोड़िए, हम आगे जो एक सिग्नल आ रहा उधर ही हम अपना वीडियो को क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी सिग्नल खुलने में भी लेट है, फिर अगर लग गया तो और लेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो कुछ भी आपको देखने को मिला आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे या ना लगे, आप लाइक करें नहीं तो डिसलाइक करें, कोई भी एक डिसाइड करके आप कर देना दोस्तों, ऐसे ही खाली मत छोड़ना। आपको ऐसे ही बेंगलोर शहर हमको दिखाते रहेंगे। हमारा मोटा ब्लॉग आपको कैसा लगता है बिल्कुल आप कमेंट में बोलना दोस्तों। इस एरिया को हम पहले भी राइड कर चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं होगा और हमें भी याद नहीं होगा, क्योंकि हमको याद हो रहा है इस एरिया को, एक बार कभी आए हैं जैसे। जी बिल्कुल, इस एरिया को हम पहले भी आ चुके हैं राइड करते हुए लेकिन हमें भी याद नहीं हो रहा, लेकिन हमें इस एरिया को देख कर थोड़ा थोड़ा याद हो रहा। तो दोस्तों सिग्नल लग चुका है और लेट हो जाएगा, इस सिग्नल के बाद हम अपना रूम चल जाएंगे और हमारा वीडियो को यहीं पर हम क्लोज करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बोलना दोस्तों, कमेंट करना नहीं भूलना। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद। इसी को इंग्लिश में कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग।